नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सीरीज को। फानी चक्रवर्ती तूफान बंगाल की खाड़ी से निकल चुका है और तस्वीर देखिए किस तरीके से झारखंड से तस्वीर निकल के आ रही हैं। तस्वीरें किस तरीके से आप लगातार देख रहे हो, कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। विस्तार से जानकारी दे दें हम आपको। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवर्ती तूफान फानी ने उत्तर भारत में दस्तक दे दी है। फानी तूफान को लेकर झारखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मौसम में होने वाले बदलाव को लेकर ओडिशा और कोलकाता एयरपोर्ट पर होने वाली विमानों की लैंडिंग को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ट्रांसफर किया गया है। साथ ही एयरपोर्ट को 24 घंटे ऑपरेट करने का निर्देश भी दिया गया है। वहीं मौसम विभाग की चेतावनी जारी करते हुए जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जिनके कच्चे मकान हैं वह अगल बगल के स्कूल में चले जाएँ, बिना वजह घर से बाहर ना निकलें। आंधी तूफान में बिजली कट हो सकती है, इसलिए पानी का इंतज़ाम भी कर लें। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर SD पटेल। जो बंगाल के साउथ पार्ट ऑफ बंगाल के इसके तरफ जा रहे हैं तो आज शाम से आज इवनिंग से कल इवनिंग तक जो टाइम है 26 घंटे का जो टाइम है 24 आवर्स, इसी के टाइम में झारखंड का जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकला का जो डिस्ट्रिक्ट है, इसमें सरायकला जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें हैवी रेनफॉल इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग 60 किलोमीटर पर आवर में इसका गति होगा उन स्पीड का। और इसके साथ साथ जब और भी नॉर्थ ईस्ट में मूव हो जाएगा तो झारखंड का जो नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है जो पाकुड़, देवगढ़, उसके बाद जो है धनबाद, दुमका, जामतारा जी, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट से हैवी रेनफॉल इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड है 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा में उसका असर देखेगा। और बाकी हिस्सों में जो है मोस्टली क्लाउडी कंडीशन रहेगा, लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल रहेगा, इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड भी रहेगा। और सबसे जो कम असर पड़ेगा वो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है गढ़वा डाल्टन जोन फील्ड में सबसे कम असर पड़ेगा। घर में रहे और उसको इसका जो कच्चा मकान है जो स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से डैमेज हो सकता है उसको नियरेस्ट जो स्कूल। आपने सुन लिया मौसम विभाग के डायरेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है फानी तूफान को लेकर। तबाही का एक तूफान फिर से कहीं ना कहीं आ रहा है। राजधानी पटना की भी आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से, यहाँ पर भी धूल भरी आंधी चल रही है। मौसम का जो मिजाज है वो कहीं ना कहीं बदल गया है। सियासी मौसम भले ही गर्माया हुआ हो लेकिन जो मौसम है वह बदल गया है, ठंडक थोड़ी आ गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या इस तूफान से कोई हताहत की खबरें भी निकल के आती हैं। आप लाइव सीरीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।